मेरे पीछे ये शिलाएं हैं जिसमें आप खुद देखिए श्री राम लिखा हुआ है, हर कोई बस एक बार इसे छू लेना चाहता है। यहाँ पर कुछ महंत भी हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर कल जब ये आगमन हुआ इन शिलाओं का, आप थे, इनकी मान्यता के बारे में बताएं। नहीं, यहाँ तो हम नहीं थे, रात में शिला आई है, हम तो अभी आए हैं। और जो है यहाँ पर ये भगवान की नगरी है, और जो है शिला भगवान के साक्षात स्वरूप होता है। और जहाँ से ये आए हैं वो जो जिस नदी से आए हैं वो साक्षात भगवान का जो है वही वास होता है, वहां से लेकर के आए इनको। भगवान विष्णु का बोला जाता है इसमें वास। जी, जैसा कि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, और नर्मदा का हर एक कंकर साक्षात शंकर। उसी प्रकार से नेपाल की भूमि में गंडकी नदी में कोई भी पत्थर है वो साक्षात शालिग्राम भगवान का स्वरूप माना जाता है। और वहां से चल करके या पत्थर यहाँ पर आया तो हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, यह शिला यहाँ पर आई, क्योंकि इस शिला के द्वारा राम जी का निर्माण होना है। और वैसे भी कहा गया ये माता जानकी यानी उनके मायके से अगर यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि बाल स्वरूप का निर्माण इन्हीं दो शिलाओं से होना है जो आप इधर और उधर देख रहे हैं। ये दो शिलाएं हालांकि खिंची हैं, और आज थोड़ी ही देर बाद इसका भव्य पूजन होना है। यहाँ पर बकायदा महंत साधुगढ़ जुटने शुरू हो जाएंगे, वो तस्वीरें भी आप तक लेकर पहुंचेंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नेपाल से भारत तक श्री राम के नाम का जय घोष हो रहा है। भक्तों के दिलों में श्री राम की आस्था ऐसी कि शिला मात्र में भी उन्हें प्रभु के दर्शन होते हैं, क्योंकि अपने आकार रंग रूप और चिन्ह के आधार पर शालिग्राम कई तरह के होते हैं, जिनका अलग अलग रूप से पूजन का विधान है। पुराणों में 33 तरह के शालिग्राम भगवान का उल्लेख है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम का संबंध भगवान विष्णु के 24 अवतारों से माना जाता है। अगर शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार के प्रतीक हैं। कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि शालिग्राम भगवान विष्णु के अवतार कैसे, और शालिग्राम के रहस्य से जुड़ी वो कौन सी कहानी है जिसमें श्राप की वजह से पत्थर बन गए थे भगवान विष्णु। माना जाता है कि इस कहानी का नेपाल से करीबी रिश्ता है, जिसने इन शिलाओं को भेजने की इच्छा 7 महीने पहले ही भारत से जता दी थी। दरअसल मिथिला में बेटियों की शादी के बाद भी बेटी के घर में होने वाले शुभ कार्य और पर्व त्योहार में उपहार देने की परंपरा है, जिसे निभाते हुए नेपाल ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में नेपाल के अंश की मौजूदगी इन शिलाओं के रूप में दर्ज करवाने की योजना बनाई। लेकिन जो भगवान विष्णु सबसे शक्तिशाली है, वो शालिग्राम के रूप में पत्थर कैसे हुए, जिनका तुलसी से विवाह करवाकर हिंदू धर्म में शादी और शुभ काम का आगाज होता है। शालिग्राम से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में हमें राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी बताते हैं। एक जनार्दन राक्षस था, भगवान शिव की कृपा से उसको वरदान मिला, बहुत बलवान हुआ, भी शंकर जी से लड़ने, पार्वती को प्राप्त करने के लिए उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने में भगवान उसकी पत्नी जो थी वो बहुत सत्वती थी, तो इसीलिए जो भगवान राम ने विष्णु ने सोचा कि तो जीतेंगे नहीं, तब तो जा करके उसके सतीत्व को नष्ट कर दिए। जब सतीत्व नष्ट हो गया तो मारा गया। जब मारा गया तो इसको जब पता चला, उसका नाम था बिंदा, उसे पता चला कि विष्णु ने हमको सतीत्व नष्ट कर दिया जिसके कारण हमारा पति मारा गया, तो उन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। वही पत्थर शालिग्राम है। तो भगवान विष्णु को सती वृंदा के श्राप से शालिग्राम का स्वरूप प्राप्त हुआ, जिनके दर्शन से सारे तीर्थों के फल मिलने की बात कही जाती है। इसीलिए अयोध्या में बनने वाले मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के लिए नेपाल से ही शालिग्राम पत्थर मंगाए गए, जिसकी एक और खूबी इसे अहम बनाती है।
उसी पत्थर का रामलला का बालक रूप की मूर्ति बनेगी और वर्तमान समय में जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है उसी में उसकी स्थापित होगा। वो प्रतिमा अपने आप में स्वयं में प्रतिष्ठित है, स्वयं में वो पूजनीय है और वहां से ले आ के पूजा करिए, हमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे पत्थर का जो बालक रूप में भगवान राम का भव्य दिव्य रूप बनेगा वो अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक और दर्शनीय होगा, जो भगवान रामलला की भव्य दिव्य मंदिर विराजमान होगा। बताया जाता है कि यह शिला 6 करोड़ वर्ष पुरानी है और इसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक रहने की कही गई। इस तरह का पत्थर भी काफी सोच समझ कर चुना गया ताकि अयोध्या में बनने वाले मंदिर में जो मूर्ति स्थापित हो वो ज्यादा से ज्यादा वर्षों तक रहे, क्योंकि उसका महत्व सबसे ज्यादा है। आज तक ब्यूरो रिपोर्ट।